नमस्कार, मेरा नाम है श्री पूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, हम ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, संवृत संकुलित संरचनाओं में रिक्तियां यानी खाली स्थान, वॉइड्स इन क्लोज फैग स्ट्रक्चर। पहले रिक्तियां की होती क्या है ये जान लीजिए। तो जैसे आपका कोई भी ठोस किस प्रकार से परमाणुओं की व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित रहता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम रिक्तियाँ कहते हैं। अब देखिए, ये रिक्तियाँ जो होती हैं, जो आपका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसमें रिक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है कि जैसे ये आपके पहली परत की क्या है, परमाणु है। अब दूसरी परत का जो परमाणु रहेगा इसके ऊपर रहेगा, यानी अब आप देखेंगे यहाँ जो रिक्त स्थान ये बीच में बचा हुआ है, ये चार परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान है, क्योंकि तीन परमाणु तो पहली परत के, एक परमाणु आपका दूसरी परत का है, तो चार परमाणुओं द्वारा घेरा गया। इसमें चार फलक का निर्माण हो रहा है, जो आपका खाली स्थान अंदर बच रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब इसमें देखिए, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, जब आपका दूसरी परत का, ये देखिए नीले स्केच से हम दूसरी परत के परमाणु को क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। ये आपके दूसरी परत के क्या है, परमाणु है। अब ये आप देखेंगे यहां भी एक प्रकार से खाली स्थान बच रहा है, लेकिन ये छह परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान है। तो छह परमाणु द्वारा जब ये स्थान घेरा जाएगा तो इसमें आठ फलक बनेंगे, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। तो ये तो हो गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति और ये हो गई आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। देखिए, आपका एक वीडियो चल रहा है, उसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति क्या है और अष्टफलकीय रिक्ति क्या है। इसमें देखिए, ये रिक्त स्थान जो है इसे वॉइड्स कहते हैं, और जब ये चार परमाणु के बीच में रिक्त स्थान होता है तो इसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। देखिए, चार परमाणु के बीच जो खाली स्थान है, अब आप आगे देखेंगे तो जब छह परमाणुओं के बीच, ये देखिए छह परमाणु, अब इन छह परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान बच रहा है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो ये खाली स्थान केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। जब चार परमाणुओं के बीच बने तो उसे टेट्राहेड्रल कहेंगे, और जब छह परमाणुओं के बीच बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए, आपके चतुष्फलकीय रिक्ति जो है इसमें चार परमाणु हैं, और एक परमाणु जो है चार रिक्तियों के द्वारा क्या होता है, आठ रिक्तियों, सॉरी आठ रिक्तियों के द्वारा क्या होता है, घेरा रहता है। यानी अब इसमें चार परमाणु है और आठ रिक्ति, यानी एक परमाणु दो रिक्ति, यानी इसमें जो आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है, एक परमाणु दो रिक्तियों के क्या होता है, बराबर होता है। यानी परमाणुओं की संख्या एक तो रिक्तियों की संख्या दो होगी। इसमें क्या होता है, छः, एक परमाणु जो होता है छः रिक्तियों के द्वारा कवर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि छः रिक्तियां और छः ही परमाणु हैं, यानी परमाणु की संख्या बराबर रिक्तियों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए, त्रिज्या है, जैसे रिक्ति जो है आपका जो खाली स्थान है इसकी भी कुछ त्रिज्या है और परमाणु की त्रिज्या है। तो मान लीजिए क्या है कि रिक्ति यानी वाइड्स, VOIDS, वाइड्स की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और परमाणु की त्रिज्या आपकी क्या है, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो इसमें एक संबंध होता है, यानी स्मॉल आर आपका जो होगा वो 0.225 × r, ये संबंध होता है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति है उसके लिए। इसमें क्या संबंध होता है, स्मॉल आर जो आपका होता है ये 0.414 r, इन दोनों में ये संबंध होता है। यानी जो आपकी इसकी त्रिज्या है रिक्ति की, वो इसके परमाणु की, यानी ये परमाणु आपका ना,
तो ये यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और उसकी कितना गुना, 0.225 गुना होती है चतुष्फलकीय रिक्ति में। अब अष्टफलकीय रिक्ति में रिक्ति जो होती है आपकी 0.414 गुना होती है ये परमाणु की त्रिज्या के, ये आपका क्या है परमाणु, जैसे कि इसका केंद्र यहां होगा और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर, ये आपकी क्या है कैपिटल आर, और जो आपके बीच में खाली स्थान बच रहा है उसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर। तो ये दोनों संबंध होता है इन रिक्तियों में। चलिए अब इसकी ज्यामिति देख लेते हैं कैसे होती है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स की ज्यामिति कैसी होगी ये देखिए। जैसे क्या कर रहे हैं हम, तीन फलक नीचे बना रहे हैं, ये आपके क्या हो गए एक फलक नीचे हो गया, और तीन फलक क्या हो जाएंगे इसके ऊपर हो जाएंगे। मान लीजिए आपका यहां है तो एक फलक ये आपका बना ऊपर का, और ये दूसरा फलक इधर, तीसरा फलक उधर, यानी ये हो जाएगा आपका, ये पीछे वाली लाइन है, तो ये चार फलक इसमें बन रहे। तो इसकी ज्यामिति इस प्रकार से होती है चतुष्फलकीय, इसलिए इस रिक्ति को क्या कहते हैं चतुष्फलकीय। इसमें देखिए कैसे होता है, जैसे क्या कर रहे हैं हम, ये ड्रॉ कर रहे हैं, चार फलक इसमें क्या हो जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, और चार ही फलक क्या हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे। ये देखिए इधर चार फलक ऊपर और चार फलक नीचे, जैसे इस लाइन को यहां से हमने मिला दिया, इस लाइन को यहां से मिला दिया, इस लाइन को यहां से मिला दिया, और इसको यहां से मिला दिया। अब देखेंगे तो आप ऊपर से एक पिरामिड बन रहा है जिसमें चार फलक हैं, एक आगे एक इधर और एक पीछे, चार फलक ऊपर हो गए और चार ही फलक क्या हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे। देखिए ये चार ही फलक क्या हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे, यानी चार फलक ऊपर चार फलक नीचे, तो ये अष्टफलकीय हो गई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अष्टफलकीय, इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होता है। अब इस पर एक सवाल भी कर लेते हैं। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, एक ठोस ए बी की संरचना क्या है NaCl के समान है, यदि धनायन ए प्लस की त्रिज्या 120 पीएम मतलब पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10^-12 मीटर, 10^-12 मीटर इसको याद रखिएगा, तो 120 पिकोमीटर है, तो ऋढ़ायन की अधिकतम संभव त्रिज्या की गणना कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि NaCl में Na+ 6Cl- आयनों से क्या होता है घिरा होता है, तो ये जो Na+ स्थित होगा वो किस प्रकार से रिक्ति जो बचेगी उसमें, जब 6Cl- को घेरे रहेंगे तो उसमें जो रिक्त स्थान बचेगा वो किस प्रकार से होगा अष्टफलकीय रिक्ति के रूप में होगा। तो जो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या होगी वही क्या होगी Na+ की त्रिज्या होगी। तो आप जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति के लिए अभी हमने बताया आपको आर इक्वल टू क्या होता है 0.414R, जहां R क्या है परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, और ये R क्या है रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या। अब जब आप यहां देखेंगे तो रिक्ति की त्रिज्या क्या होगी ये प्लस की त्रिज्या की क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि जो आपके धनायन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं कंपेरिजन किसके ऋणायन की अपेक्षा। तो आर क्या है स्मॉल आर आपकी रिक्ति की त्रिज्या है, कैपिटल आर आपके परमाणु की त्रिज्या है, यहां स्मॉल आर क्या होगा ये प्लस की त्रिज्या, यानी ये प्लस की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी 0.0.414 और गुणे किसकी ऋणायन की अधिकतम संभाव्य त्रिज्या पूछ रहा ना, तो B-, यानी B- ही तो ऋणायन होगा इसमें ना, ये भी आपका क्या है ठोस है ना NaCl के समान है, तो जैसे इसमें Na+Cl- होता है उसी प्रकार इसमें A+ और B- होगा, तो B- की त्रिज्या हो जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे तो B- इसकी त्रिज्या बराबर A+ की त्रिज्या और बटे 0.414। अब आप जानते हैं कि ये प्लस
ये प्लस की त्रिज्या कितनी है, दी हुई है 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर, और 0.414 से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। हमको किसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, माइनस वाले आयन यानी ऋणायन की त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे या वैसे ही डिवाइड करके देखिएगा तो ये आएगा लगभग 289.8 पिको मीटर। तो इस प्रकार से आपसे सवाल क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, समन्वय संख्या तथा त्रिज्या अनुपात। अभी त्रिज्या रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात होता क्या, पहले समन्वय संख्या जान लीजिए। ये आयनिक ठोस के लिए है। तो आयनिक ठोस में क्या होता है कि कोई भी आपका धनायन जितने ऋणायनों से घिरा होता है वो उस धनायन की समन्वय संख्या होती है, या कोई भी ऋणायन जितने धनायनों से घिरा होता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। जैसे NaCl की बात करें हम, तो आपका Na प्लस आयन 6Cl माइनस आयनों से क्या होता है, घिरा होता है। तो Na प्लस की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। अगर हम बात करें Cl माइनस आयन की, तो वो भी 6 Na प्लस आयनों से क्या होता है, घिरा होता है। तो इस प्रकार Cl माइनस आयन की भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब देखते हैं त्रिज्या अनुपात। तो जो आपका त्रिज्या अनुपात होता है वो धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का ही अनुपात होता है। ये त्रिज्या अनुपात धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या। अब धनायन की त्रिज्या को हम स्मॉल r प्लस से डिनोट करते हैं, यानी r प्लस, और ऋणायन की त्रिज्या को r माइनस, यानी r प्लस और r माइनस के अनुपात को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या अनुपात। जहां r प्लस क्या धनायन की त्रिज्या और r माइनस क्या है, ऋणायन की त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या अनुपात जो होता है घटने या बढ़ने पर समन्वय संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए। अब इसमें देखिए r प्लस और अपान r माइनस, ये आपका क्या है, त्रिज्या अनुपात ही तो है, यानी धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या। अब देखिए जब ये बराबर होगा 0.414 तो आपको जो संरचना प्राप्त होगी वो स्थिर अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना आपको क्या होगी, प्राप्त होगी, स्थिर अष्टफलकीय संरचना। अब इसमें अष्टफलकीय संरचना जब आपको प्राप्त होगी तो उसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यानी ये जो धनायन होगा, हमने बताया आपको धनायन क्या होगा, सबसे छोटा होता है और रिक्ति में ही समावेशित रहता है। तो ये धनायन 6 ऋणायनों के संपर्क में रहेगा, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जब क्या हो, त्रिज्या अनुपात किसके बराबर हो, 0.414 के क्या हो, बराबर हो। और जब ये त्रिज्या अनुपात का मान क्या होने लगे, बढ़ने लगे, यानी 0.414 से बढ़ने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थिर, अस्थिर व्यवस्था आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। यानी ये व्यवस्था क्या होगी, स्थिर नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या होगी, अगर हम क्या करें, r प्लस और r माइनस क्या हो जाए, 0.414 से घटने लगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, अस्थिर व्यवस्था आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, अस्थिर व्यवस्था, यानी ये स्थिर नहीं रहेगा। तो अस्थिर व्यवस्था आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हम का क्या करें कि r प्लस अपान r माइनस, r प्लस अपान r माइनस, ये और बढ़ा दें, यानी अभी तक क्या था 0.414, ये 0.732, इससे भी अधिक हो जाए, तब आपको जो संरचना प्राप्त होगी वो किस प्रकार की प्राप्त होगी, स्थिर, स्थिर
बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की संरचना आपको प्राप्त होगी। ये व्यवस्था आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और तब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या, तब इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 8। बीसीसी व्यवस्था आपको प्राप्त होगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसमें देखिए ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और घटा दे इसमें तो आपको स्थिर चतुष्फलक की व्यवस्था आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था, और उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या 4 होगी। यानी ये जैसे हम त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। यदि ये 0.414 के बराबर है तो स्थिर अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होगी और उसकी समन्वय संख्या 6 होगी। और यदि बढ़ाते जाए तो हमें बीसीसी की संरचना प्राप्त हो जाएगी, और यदि घटाते जाए तो स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब देखिए एक टेबल के माध्यम से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये आपका टेबल है कि त्रिज्य अनुपात कितने कितने के बीच में रहेगा, तो उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, संरचनात्मक व्यवस्था क्या होगी और उसका उदाहरण कौन कौन सा। जैसे जब त्रिज्य अनुपात क्या हो, त्रिज्य अनुपात 0.155 से 0.255 के बीच में हो तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 3 होगी। संरचनात्मक व्यवस्था उसकी क्या होगी, समतलीय त्रिकोणीय, और उदाहरण आपका B2O3 है। दूसरा है आपका जब त्रिज्या अनुपात 0.255 से लेकर 0.414 के बीच में हो तो उसकी समन्वय संख्या 4 होगी। संरचनात्मक व्यवस्था उसकी क्या होगी, चतुष्फलकीय, उदाहरण आपका ZnS। जब त्रिज्या अनुपात क्या हो, 0.414 हो, 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो समन्वय संख्या उसकी क्या होगी, 6 होगी। और संरचनात्मक व्यवस्था क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, उदाहरण आपका NaCl है। और जब आपकी त्रिज्या अनुपात क्या हो, 0.732 से लेकर 1.0 के क्या हो, बीच में हो तो क्या होगा, समन्वय संख्या 8 होगी, समन्वय संख्या 8 होगी। और वो संरचना व्यवस्था कैसी होगी, अंतः केंद्रित घनीय यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उदाहरण आपका CsCl। तो ये तो हो गया आपका टेबल, तो इससे आपको समझ में आया। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक ये प्लस बी माइनस में, ये प्लस यानी ए प्लस क्या धनायन है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 148 पिकोमीटर तथा बी माइनस की त्रिज्या कितनी है, 195 पिकोमीटर है। तो आपको बताना क्या है, इस यौगिक की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी है और धनायन की समन्वय संख्या। तो इसमें देखिए आर प्लस और आर माइनस आपको दी हुई है, यानी त्रिज्या अनुपात हम ज्ञात कर लें तो संरचनात्मक व्यवस्था भी बता सकते हैं और धनायन की समन्वय संख्या भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात यानी आर प्लस धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या। तो आप देखेंगे धनायन की त्रिज्या कितनी है, 148 पिको मीटर, और ऋणायन की त्रिज्या है 195 पिको मीटर। अभी देखिए ये मात्रक भी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जब क्या करेंगे, इसे हम साल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.759, यानी 148 को 195 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका त्रिज्या अनुपात कितना आ जाएगा, 0.759।
आप बताइए ये कितने से बड़ा है? ये आप जानते हैं इज ग्रेटर देन 0.732 और 1.0 के बीच में है। तो जब आपने जो अभी पीछे टेबल बनाया है उसमें सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा कि जब क्या हो जाए 0.732 से त्रिज्या अनुपात क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? समन्वय संख्या, समन्वय संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 8। यानी समन्वय संख्या आपको पता चल गई, धनायन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8। आपको संरचनात्मक व्यवस्था बताना है। तो जब 0.732 से आपकी त्रिज्या अनुपात क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसकी संरचनात्मक व्यवस्था कैसी होती है? BCC, BCC यानी अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय। बस यही दो चीज सवाल में आपसे पूछ रहा था, कितनी आसानी से लग गया। तो ये मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।